हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम कोई पुरानी कार परचेज करते हैं, सेकेंड हैंड कार, तो उसकी बाइंग गाइड में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे हम एक अच्छी कार सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम अपनी फाइनेंशियली लॉस से बच सकते हैं, और कैसे हम सेकेंड हैंड कार को कैसे हम रेक्टिफाई करें कि ये कार हमारी यूज की है कि नहीं है, ये कार हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूँगा डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद हम चलेंगे कार के पास, फिर मैं कार में आपको इंटीरियर की बात करूँगा, एक्सटीरियर की बात करूँगा, इंजन्स की बात करूँगा, और उसके बाद हम आप डिसीजन करना कि फिर आपको कैसी कार लेनी चाहिए। मैं आपको इतना बता दूंगा ताकि आप कोई भी सेकेंड हैंड कार जब आप परचेज करो तो बिल्कुल आप बहुत ही सही से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कार को सेलेक्ट कर सकते हो और फाइनेंशियली लॉस से बच सकते हो और एक आप राइट ऑप्शन चॉइस कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट पे चलता हूँ। सबसे पहले किसी भी कार को जब हम परचेज करते हैं उस कार की डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना हमें कि ये सही है कि नहीं है। सबसे पहले क्या हम उस कार की रजिस्ट्रेशन आरसी बुक चेक करेंगे। आरसी बुक में क्या चेक करना है, जो सेलर है उसी के नाम से है कि नहीं है, या उसके घर में किसी ब्लड रिलेशन के नाम से है, तो अच्छी बात है। देखिए बहुत सारे कंपनी भी आजकल कार सेल कर रही है आज के डेट में, तो वो तो वेरीफाई करके लेते हैं, तो उनसे कोई इशू नहीं है, तो उनसे भी हम उनसे कोई इतना डॉक्यूमेंट्स में कोई टेंशन नहीं है, तो उनसे हम ले सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट कोई सेल कर रहा और सेलर से आप परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में हमें डॉक्यूमेंट चेक करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या चेक करना है, आरसी, आरसी में क्या देखना है कि कार उन्हीं के नाम से है या उनके मम्मी पापा के नाम से है, तो ये चीज़, और वो एग्री है कि नहीं है जो जिसके नाम से कार है, ठीक है। उसके बाद हमें कार में आरसी बुक में क्या चेक करना है, कार में हमें ये चेक करना है कि रजिस्ट्रेशन डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट कब का है दोनों में। अगर रजिस्ट्रेशन डेट सेम ईयर का है, मैन्युफैक्चरिंग भी सेम ईयर का है, तो इट्स ओके है। अगर रजिस्ट्रेशन डेट 2020 का है सर एग्जाम्पल, और मैन्युफैक्चरिंग 2019 का है, तो उस केस में कार का प्राइस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जब उन्होंने नई कार परचेज की होगी तो उस टाइम उनको डिस्काउंट मिला हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, एक पॉइंट ये, आप यहाँ पे पैसा बचा सकते हैं। दूसरा, जब आपने ये चेक कर लिया तो आप ये चेक करना है कि कार को आरसी बुक से और ओनर से भी वेरीफाई करना है कोई इस पे ट्रैफिक चलान तो नहीं है, नहीं तो वो कार ट्रांसफ़र नहीं होगी आरटीओ में। ट्रैफिक चलान तो नहीं है, कोई इस पे लीगल केस तो नहीं हुआ है, ये चीज़ अगर ओनर आपको बताया था तो बहुत अच्छी बात है। ओनर नहीं बताता है तो आप वाहन.com से, जो गवर्नमेंट की साइट है, वहाँ से कार नंबर डाल के डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। एक ओटीपी आता है, वो नंबर वहाँ जिसके नाम से कार रजिस्टर्ड है उनका होता है, उनका नंबर रजिस्टर्ड होता है, तो आप उनसे लेके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी, आरसी पे ये देखना है आपको, आरसी बुक पे, कि कोई उस पर फाइनेंसर का नेम तो नहीं चढ़ा हुआ है, यानी हाइपोथिकेशन तो नहीं है कार पे, कोई लोन तो नहीं है। अगर है तो उसकी एनओसी उनसे मांगना है, ठीक है। अगर वो बोलते कि नहीं सर मैं एनओसी निकाल के दे दूंगा, तो ठीक है, उस केस में आपको पूरी पेमेंट नहीं करना, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। उसके बाद हम कार का इंश्योरेंस चेक करेंगे, इंश्योरेंस इस कार की कब तक वैलिड है और कौन सा है, कॉम्प्रेहेंसिव है या नील डेप्रिसिएशन जिसको जीरो डेप बोलते हैं, वो वाला है। देखिए कॉम्प्रेहेंसिव होगा तो आपको उसमें भी क्लेम मिलता है, बट कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसमें आपको 50% ही क्लेम मिलता है, लाइक जो फाइबर के पार्ट्स हो गए, जैसे बम्पर्स हो गया, फाइबर्स के आगे पीछे के जो बम्पर्स हो गए या और भी कुछ पार्ट्स हो गया, तो इनका क्या होगा, इन कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस होगा तो इसमें क्लेम आपको 50% ही मिलेगा। अगर यही नील डेप्रिसिएशन जिसको हम जीरो डेप बोलते हैं वो होगा, तो उसमें 100% आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। और ये देखना है इंश्योरेंस की वैलिडिटी कब तक है, ये चीज़ ज़रूर आपको चेक करना है। इंश्योरेंस अगर मान लीजिए कि 2 महीने बाद वो इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा, तो वो भी एक आपको एड ऑन करके चलना है कि इस कार में आफ्टर 2 मंथ बाद इतना खर्चा आएगा, ये चीज़ है ना, तो ये चीज़ देखना है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट चेक कर ली, आपने आरसी बुक चेक कर ली, आपने इंश्योरेंस चेक कर लिया, आपने वाहन पे चेक कर लिया, कोई लीगल एक्टिविटीज़ तो इस पर नहीं हुई है, कोई चलान तो नहीं है इस पर, ये सब आपने चेक कर लिया। ट्रैफिक के साइड से भी जाके आप ट्रैफिक चलान चेक कर सकते हैं। जब ये चार चीज़ें आपने चेक कर लिया, एनओसी अगर कार लोन है तो एनओसी आपने देख लिया, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। जब ये चीज़ आपने चेक कर लिया, अब हम चलेंगे कार पे, चलिए हम चलते हैं कार के पास। जैसा कि हम बात कर रहे थे दोस्तों कि सेकेंड हैंड कार जब हम परचेज करते हैं, तो
तो अब मैं फिजिकली आपको कार चेकआउट करना सिखाऊंगा, कैसे उसको चेक करते हैं। तो मैं आ गया हूं अब कार के पास। इसी कार पे मैं डोमो देने वाला हूं, जो आप देख रहे हैं कार, ये एक 4 साल पुरानी कार है। अब हम इस पे डेमो करने वाले, 2019 मॉडल की कार है ये, और ब्रेजा है डीजल में, मारुति ब्रेजा। और मैं अब बात करने वाला हूँ सबसे पहले तो इसकी चाबी की। देखिए चाबी इसमें ये है, ये इसका सेंटर लॉक बोलते हैं। तो ओनर से ये ज़रूर क्वेश्चन करना है, सर इसकी दोनों चाबी है या एक ही चाबी है? अगर एक चाबी है तो दूसरी कहाँ गई, ये ज़रूर हमें पूछना है उनसे। और क्या ये चाबी ओरिजिनल है इसके कार के साथ की है? वो कहेंगे हाँ तो ठीक है। तो अब हम इसके सबसे पहले सेंटर लॉक चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, लॉक और अनलॉक। तो ये मतलब काम कर रहा है ये दोनों, तो ये ओके है चाबी। अब हम जैसे आपको बताते हैं, मैंने 4 पैरामीटर पे कार को चेक करेंगे, एक्सटीरियर, इंटीरियर, फिर इंजन, फिर हम थोड़ा ड्राइव करेंगे कार को। ड्राइव करके ड्राइविंग से क्या पता चलेगा हमें, सस्पेंशन कैसा है, इंजन कैसा रिस्पॉन्स कर रहा हमें, और पावर स्टीयरिंग कैसी है इसकी वो चेक करेंगे ड्राइविंग में, एसी कैसा वर्क कर रहा वो चेक करेंगे, और कार में कोई अनवांटेड साउंड तो नहीं है केबिन के अंदर, वो चीज़ हम ड्राइविंग करके ही पता चलेगा, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर में चेक करेंगे चारों साइड से एक बार, बॉडी को चेक करेंगे कि बॉडी कैसी, बॉडी वाइज कार कैसी है, कोई एक्सीडेंटल तो नहीं है, कितना काम कार में हुआ है, डेंटिंग का काम कितना हुआ है, पेंटिंग का काम कितना हुआ है, और कार में क्या क्या पार्ट्स रिप्लेस है, चेंज किया है, जैसे लाइक बोनेट चेंज है या बम्पर चेंज है या डोर चेंज है, कार एक्सीडेंटल तो नहीं है, कैसे चेक करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा, अगर आप इस पॉइंट को कवर करते हैं और इस पॉइंट को देखते हैं तो मेरी गारंटी है आपको कि आप जब भी कोई सेकेंड हैंड कार लेंगे तो आप एक अच्छा डिसीजन लेकर कार लेंगे, आप अपने फाइनेंशियल लॉस से बचेंगे और आप डिसीजन ले पाएंगे कि कार हमें ये कार लेने लायक है कि नहीं लेने लायक है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सटीरियर से। सबसे पहले इसका एक्सटीरियर चेक करते हैं, यानी फ्रंट से हम चेक करेंगे कि बम्पर्स वगैरह इसके ओके है ना, ठीक है, इसमें बम्पर्स वगैरह ओके है बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं साइड से, साइड प्रोफाइल इसका चेक करेंगे, तो साइड में भी इसका ओके है, यहाँ पर कोई काम नहीं है, मिरर वगैरह भी ओके है इसमें। अब ये वाला थोड़ा सा स्क्रैच है, चलिए ये सेकेंड हैंड कार है तो पुरानी कार है तो इतना होगी, ये हमें इसमें रिपेयर कराना है, बाकी हमें यहाँ पर बम्पर चेक करना है, ये चीज़ ओके है, यहाँ पे ओके है। फिर ये चीज़ हम चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई टेंशन तो नहीं है, यानी कहीं पे कोई ब्रेक ये टूटा हुआ शीशा तो नहीं है। फिर हम यहाँ पे ओपन करेंगे, इसको ओपन करके ये देखेंगे कि प्रॉपर ये हमारा बूट का लॉक काम कर रहा कि नहीं कर रहा, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया। फिर यहाँ पे चेक करेंगे हम स्टेपनी कि स्टेपनी खोल के देखेंगे कि स्टेपनी का क्या कंडीशन है, स्टेपनी इसका ओके, टूल सारे। फिर देखेंगे अंदर, यहाँ पे स्टेपनी के अंदर कोई रस्टिंग तो नहीं लग रहा, कहीं पर जंग तो नहीं लग रहा नीचे से, तो नहीं, ये कार ओके है। इधर आ जाएंगे, इस साइड से चेक करेंगे बॉडी वाइज, तो बॉडी वाइज ये कार ओके, बॉडी वाइज इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है, यहाँ पे थोड़ा स्क्रैच है, तो ये हमें आपको वो करेंगे, थोड़ा सा वो रिपेयर करवा लेंगे हम, ठीक है। अब हम कार को चेक करेंगे, एक्सीडेंटल तो नहीं, एक्सीडेंटल कैसे चेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से डोर खोलेंगे और इस रबर को बहुत प्यार से ये निकल जाता है, इसे हम निकालेंगे यहाँ से। देखिए ये आप डॉट देख रहे होंगे, ये रोबोटिक डॉट होता है, ये जब मैन्युफैक्चरर जब कार बनाता है तो ये उसी टाइम का होता है, ये कभी भी अगर रिपेयर होगा ना तो कभी ये स्पॉट्स जो देख रहे होंगे आप सेम नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा। अगर रिपेयर होगा, एक तो यहाँ सीलेंट लगा होगा और ये डिफरेंट अलग अलग उसमें टाइप में होगा, और ये देखिए सेम है बिल्कुल। तो ये कार इट मीन्स ओके है, ये एक्सीडेंटल नहीं, यहाँ से तो एक्सीडेंटल नहीं है ये कार। तो हम ये चीज़ चेक कर लेंगे, ये चारों डोर में हम कार को चेक कर लेंगे एक बार, ये ज़रूर देख लेंगे। फिर हम यहाँ से अपना डोर का मोमेंट एक बार चेक कर लेंगे कि डोर का मोमेंट ओके है, डोर चेंज तो नहीं है। तो डोर भी देखिए आप, यहाँ से दिख जाएगा, यहाँ से बना हुआ, या आप देखिए ये सॉफ्ट होता है और ये बिल्कुल डोर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कहीं पे रस्टिंग तो नहीं लग रहा है साइड में, इस साइड में यहाँ पे रस्टिंग तो नहीं लग रहा है, तो नहीं, ये भी यहाँ पर ओके है, बिल्कुल ओके है। चलिए अब हमने पैसेंजर साइड चेक कर लिया, फिर आ जाते हैं रियर में। रियर में भी फिर हम वैसे ही चेक करेंगे जैसे हम चेक कर रहे थे, कि यहाँ पे देखेंगे कोई चीज़ें कहीं पे रस्टिंग तो नहीं है। फिर इसको हम रबर को खोलेंगे, और फिर खोलने के बाद हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे, ये भी कार ओके है, यहाँ पे भी आप देखिए बिल्कुल रोबोटिक स्पॉट्स है, ये बिल्कुल इक्वल है, तो इट मीन्स कार ओके है, कार एक्सीडेंटल नहीं है ये। और फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे डोर में, तो डोर में भी दिख रहा है हमें कि डोर भी बिल्कुल ओके है, ये भी बिल्कुल पिलर, ये सारे बिल्कुल डोर बिल्कुल जेन्युइन है, ओके है। फिर साथ के साथ हम टायर पे भी नज़र मारेंगे, टायर हमारी कितने परसेंट बची हुई है, तो इसका 50 से ज़्यादा परसेंट टायर बचा हुआ है,
टायर इसका ओके है और कार के साथ का टायर हम देखेंगे, चारों टायर एक ही कंपनी के हैं कि नहीं है। ठीक है, ये टायर ओके है बिल्कुल। चलिए अब हम इस साइड आ जाते हैं, इस साइड में हम बूट खोलेंगे और बूट में देखिए यहाँ पे कोई रस्टिंग तो नहीं है, ये प्रॉपर ये जो लॉक है ये सही लॉक लगा हुआ है, ये देखिए। और फिर हम यहाँ पे भी इसको खोल के रबर को हम देख सकते हैं, देखिए ये देखिए बिल्कुल ओके है, ये ओरिजिनल है बिल्कुल, ये कार एक्सीडेंटल नहीं है। आइए, अगर एक्सीडेंटल होती है ना तो कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ देखिए, ये स्पॉट देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी स्पॉट है, ये कभी इक्वल बना नहीं होगा। फिर पेंट का फिनिशिंग जो होगा ना ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल सेम फिनिशिंग है इसकी। और ये देखिए कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे भी वाइट पेंट का दाग आएगा, कभी कभी बहुत बार रह जाती है स्पॉट्स, अगर ये डिक्की बना हुआ होता है तो, या चेंज होता है तो डिक्की डोर, ये देखिए चेंज तो नहीं है। तो अब हम ड्राइवर साइड से चेक करेंगे कार को कि ड्राइवर साइड में कोई एक्सीडेंटल तो नहीं है, ड्राइवर डोर चेंज तो नहीं है या रिपेयर तो नहीं है, कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हम ड्राइवर साइड को ओपन करेंगे और ओपन करते ही हम ड्राइवर डोर पे ये चीज़ें हम देखेंगे। देखिए जो कंपनी का ओरिजिनल बना हुआ आप देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स है, ये सेम है, ये बिल्कुल रोबोटिक स्पोर्ट्स है, आप देख रहे होंगे ना। और ये देखिए ये रिपेयर होगा तो ये जो कोने में दिख रहा है ना यहाँ पे दिख जाएगा अलग से, उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी मैन्युफैक्चरर की फिनिशिंग होती है वो नहीं होगी। ठीक है, डोर चेंज होगा तो इसका हम सर्विस सेंटर से पता कर लेंगे, वहाँ से सर्विस हिस्ट्री निकाल सकते हैं, अगर कंपनी से चेंज होगा डोर तो पता चल जाएगा। प्लस फिर हम यहाँ आ जाएंगे, फिर वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये वाला एक्सीडेंटल नहीं है, पिलर बना तो नहीं है, तो देखिए स्पोर्ट्स बिल्कुल सेम है, इसमें कोई सीलेंट नहीं लगा हुआ है, तो इट मीन्स ये भी ओरिजिनल कार है। तो एक यहाँ पे चेक कर लिया, फिर हम आ जाते हैं रियर वाले डोर में को खोलेंगे, फिर रियर वाला डोर चेक करेंगे तो रियर वाला डोर भी बिल्कुल ओके है। और फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे, अब यहाँ पे कोई डैमेज तो नहीं है, तो ये बिल्कुल देखिए स्पोर्ट्स बिल्कुल रोबोटिक स्पोर्ट्स है और ये मैन्युफैक्चरर के साइड का है, तो इट मीन्स ये कार ओके है, ये कार कहीं से भी एक्सीडेंटल नहीं है। फिर हम जब ये चीज़ें चेक कर लेंगे, हम इसको चेक कर लेंगे, कार को बंद करेंगे और एक बार चारों टायर पे हमें नज़र मारना है और टायर को ध्यान से देखना है कि कितने परसेंट टायर हमें बच, हमारा टायर कितने परसेंट इसमें अभी है, बचा हुआ है, इसकी लाइफ है। तो मेरे को जो ये टायर लग रहा है अभी जो दिख रहा है दिखने में, ये 50% से ज़्यादा टायर है। देखिए घिसा हुआ होगा तो दिख जाएगा वो आपको, टायर बना नहीं है, घिसा नहीं। अब हम कार को चेक करेंगे अंडर द बोनेट कि कहीं एक्सीडेंटल रिपेयर तो नहीं है, यहाँ से आगे से कहीं चिटिस माउंट तो नहीं है, कहीं नीचे से काम तो नहीं हुआ है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले बोनेट खोल लिया हमने और एक बार नॉर्मल नज़र मारेंगे। तो देखिए ये नज़र मैं मार रहा हूँ, एक बार मैं बोलूँगा कैमरामैन को एक बार दिखाए ये इंजन पूरा। तो देखिए ये जो साइड में आप देख रहे होंगे ये वाला पार्ट, ये बिल्कुल देख रहे हैं आप बिल्कुल यहाँ पर ये फैक्ट्री का ही है बिल्कुल। देखिए ये जो आप देख रहे होंगे ना ये सब, ये सारा जो है ये फैक्ट्री की फिनिशिंग है। आप देखिए यहाँ पर ये देखिए चेसिस बिल्कुल ओके है, जहाँ पे होना चाहिए यहाँ चेसिस नंबर होता है, आप देखिए ये देखिए यहाँ पर। फिर हम देखेंगे कि बोनेट की जहाँ पे डोर बोनेट का लॉक होता है, ये देखिए बोनेट का है, वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे कोई चेंज तो नहीं, ये देखिए ये सारा फिनिशिंग बिल्कुल ओके है, ये कार ओके। अब मैं इस कार को लगभग 20 किलोमीटर चला के मैं देख चुका हूँ, तो हम अब हमें सपोज बैक कंप्रेसर चेक करना हो तो हम यहाँ से इंजन वाल्व खोल देंगे इसको। इंजन वाल्व में क्या होगा कि बैक कंप्रेसर का काम होगा इसमें, तो यहाँ से स्मोक आ जाएगा या फिर थोड़ा सा स्मोक आएगा या इंजन वाल्व ऊपर आ रहा होगा, तो ये चीज़ हम चेक कर लेंगे यहाँ से इस कार में। देखिए तो ठीक है, इंजन से कोई स्मोक नहीं आ रहा, इंजन वाल्व ऊपर नहीं आ रहा, तो इट मीन्स ये ओके है इंजन। अब हम चेक करेंगे कि कूलेंट वाला सही है, कूलेंट का टूटा तो नहीं है, वाइपर का सही है, पानी वाला ये सही है वाइपर वाला। फिर हम एक बार यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कहीं से रिपेयर तो नहीं है, कहीं से टूटा तो नहीं है, नीचे तो नहीं टूटा हुआ है। ठीक है, बैटरी हम चेक करेंगे, बैटरी ओके है। अब बैटरी को मैं कैसे चेक करूँगा, देखिए ये हमने एक्सटीरियर चेक कर लिया, एक्सटीरियर वाइज कार ओके लगी आपको, आपने डेंट चेक कर लिया, आपने पेंट चेक कर लिया, आपने एक्सीडेंटल आपको नॉर्मल जो समझ में आती है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको, और इतना काफ़ी होता है एक्सीडेंटल चेक करने के लिए, क्योंकि जब कार एक्सीडेंटल होती है तो कभी भी ये चीज़ें जो देख रहे हैं ना ये फिनिशिंग कंपनी का है यहाँ पर, या आपको ये चीज़ें देख रहे हैं आप, ये देखिए ये लॉक देख रहे हैं, ये सब ये चीज़ें आप देख रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल कार है ये, तो कभी भी ये एक्सीडेंटल होती तो इस तरह से दिखती नहीं, कहीं ना कहीं
जो सर्विस में काम होता वो एक टेक्नीशियन एक इंजीनियर काम करता है, तो वो रोबोटिक की तरह काम नहीं कर पाएगा, उसकी तरह टाके नहीं लगा पाएगा, उसकी तरह फिनिशिंग नहीं दे पाएगा। तो ये आपको समझ में आ गई। अब हम एक्सटीरियर चेक कर लिया, एक्सटीरियर में टायर चेक करना है आपको, एक बार फिर से बताता हूँ। बॉडी आपने चेक कर ली, एक्सीडेंटल आपने चेक कर ली, बोनेट खोल के आपने चेक कर लिया। अब हम इंटीरियर चेक करेंगे। इंटीरियर कैसे चेक करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इंटीरियर में जो स्विच है, लाइक अगर कार में चारों पावर विंडो है तो पावर विंडो हम चेक कर लेंगे स्विच एक बार सारे अप डाउन करके। फिर हम लॉक अनलॉक का बटन चेक कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जब आप ये चेक कर चुके हैं तो फिर आप यहाँ पे आ जाइए, म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोलिंग चेक कर लीजिए, एसी वेंट्स का फ़ैन का स्पीड चेक कर लीजिए, ये वाली जो फ़ैन का स्पीड है सही हो रहा नहीं हो रहा, एसी का मोमेंट वाला आप चेक कर लीजिए, एसी आप चेक करना है, चार्जिंग पॉइंट आपको चेक करना है, चार्जिंग पॉइंट वर्किंग है कि नहीं है। ये चार्जिंग पॉइंट चेक करने के बाद अगर रियर में कार में एसी वेंट्स है किसी कार में, तो रियर में भी चेक करना है कि रियर में एसी वेंट्स में एयर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये चीज़ आपने चेक कर लिया, अब आपको क्या करना है, कार को स्टार्ट करना है। देखिए काम की बात क्या है, स्टार्ट करना है। ये मैंने कार को स्टार्ट किया, फिर आपको बंद कर देना है, फिर आपको स्टार्ट करना है एक बार। इससे क्या पता चलेगा, बैटरी हमारी बैटरी की कंडीशन कैसी, उसकी हेल्थ कैसी। अगर स्टार्ट होने में टाइम लग रहा है, इट मीन्स बैटरी में प्रॉब्लम है, बैटरी चेंज है, तो ये आपको एक एक्सपेंस हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जरूर, कार को स्टार्ट करना है, खड़ी कार को आइडियल कंडीशन में, फिर बंद करना है, फिर स्टार्ट करना है। अब आपने ये बैटरी के लाइफ आपने चेक कर लिया। अब आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि अगर पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है, कोई भी इंजन है, तो थोड़ा सा डीजल थोड़ा सा स्मोक ज़्यादा करती है, बट आपको अंदर ही बैठना है, अंदर बैठ करके, या आप नहीं है तो आप किसी भी साथी को या ड्राइवर को बोलिए कि उसको बैठ करके कार एक बार स्टार्ट करे और रेस दे। देखिए रेस देगा तो एक तो आपको साउंड, देखिए नॉर्मल साउंड है तो इट्स ओके, फिर आपको पीछे जाके देखना है कि स्मोक जो कर रही है कार, ज़्यादा स्मोक तो नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा ब्लैक धुआं तो नहीं दे रही है, इट मीन्स इंजन में कुछ ना कुछ काम है या कार सर्विस मांग रही है, ठीक है। आपने जब यहाँ चेक कर लिया तो ये सारे स्विच चेक करना, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, यहाँ पे जो चीज़ें है ये चेक करना है। फिर आपको स्टेयरिंग ऐसे घुमा करके, स्टेयरिंग पावर स्टेयरिंग, और ऐसे चेक करना है, पावर स्टेयरिंग ओके है ना, उंगलियों पे घूम जाएगा, स्मूथली घूम रहा है पावर स्टेयरिंग। तो हमें वाइपर चला के भी चेक करना है, वाइपर चल रहा है, वाइपर का पानी आ रहा है तो ये चेक करना है, पानी आ रहा वाइपर का अंदर से। आपने रियर में वाइपर है तो रियर का वाइपर चलाना है। फिर म्यूजिक सिस्टम चलाना है, ये स्पीकर इसके वर्किंग में है कि नहीं है, FM इसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ हमें चेक करना है। तो इस कार का ओके है ये चीज़ें, ये बिल्कुल ओके है। सब चीज़ें हमने जब चेक कर लिया कार में, उसके बाद हम कार को ड्राइव करेंगे। ड्राइव में हम इसकी सस्पेंशन को चेक करेंगे। अब हमें कार को, हम इस कार की एक टेस्ट ड्राइव लेंगे। टेस्ट ड्राइव में हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पावर स्टीयरिंग चेक करना है, एसी का चेक करना है, इंजन का परफॉर्मेंस चेक करना है, और क्लच प्लेट चेक करना है। अगर कार पूरा रेस देने पे, एक्सीलेटर लेने पे भी पिकअप नहीं पकड़ रही, इट मींस क्लच प्लेट का काम होना है। अगर पावर स्टीयरिंग सही से काम नहीं कर रहा है, इट मींस पावर स्टीयरिंग में प्रॉब्लम है। अगर स्टीयरिंग इधर उधर भाग रहा है तो दो चीज़ हो सकता है स्टीयरिंग भागने का। सबसे पहला कारण है कि व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट की ज़रूरत है। अगर वो ज़्यादा ही भाग रहा है तो फिर सस्पेंशन का काम है, सस्पेंशन में अगर आवाज़ आ रही है तो ये हम कार को चलाएंगे एक अच्छे रोड पे भी, थोड़ा सा हम रफ़ रोड में चलाएंगे और थोड़ा सा अच्छे रोड में चलाएंगे, फिर हमें पता चलेगा। तो पहला नंबर वन हम क्या चेक करेंगे, कार की पावर। अब हम चलते हैं कार को ड्राइव करते, ड्राइव करके हम कार की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, गियर शिफ्टिंग चेक करेंगे, कार की एसी चेक करेंगे, कार का पावर स्टीयरिंग चेक करेंगे, सस्पेंशन चेक करेंगे, कार चलने में कैसी है, ये चीज़ हम चेक करेंगे। अगर आप एक आपको कार ड्राइव करने आती तो जैसे ही आप थोड़ा सा ड्राइव करेंगे आपको चीज़ें पता चल जाएगी। तो हम चलते, देखिए मैंने कार को अभी स्टार्ट कर दिया है, अब मैं कार को बहुत ही प्यार से चला रहा हूँ। तो ये देखिए रोड कैसी है इसकी, बिल्कुल अब देखिए यहाँ पर कार ये ठीक चल रही है, गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है, गियर लगने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, गियर में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब ये आपकी देखिए पावर स्टीयरिंग भी काफ़ी अच्छा है, मैं स्टीयरिंग छोड़ के कार चला रहा हूँ, कार बिल्कुल सही चल रही है, एक साइड नहीं भाग रही है, इट मीन सस्पेंशन में काम नहीं है, नहीं सस्पेंशन में कोई आवाज़ है। अब देखते कार के अंदर कोई आवाज़ तो नहीं है, चारों शीशे हम बंद कर लेंगे तो ये आवाज़ नहीं है अंदर में भी, कार ठीक है।
थोड़ा सा पेट्रोल के अकॉर्डिंग डीजल इंजन साउंड ज़्यादा करता है, क्योंकि उसमें टर्बो होता है तो इस वजह से साउंड ज़्यादा करता है, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। पावर की बात करता हूँ, मैं रेस ले रहा हूँ तो कार सही भाग रही है, इट मीन्स क्लच का भी काम नहीं है, क्लच भी इसका ओके। अब मैं ब्रेक चेक करूँगा कि ब्रेकिंग कैसी है इसकी, तो मैं कार भगा रहा हूँ अभी, देखिए स्पीड में वो देखिए, सस्पेंशन भी पता चलेगा, सस्पेंशन भी इस कार का ओके, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं है। अब मैं इसको ब्रेक लगा दूँगा एकदम से चलते चलते, ये देखिए ब्रेक, तो ब्रेक भी ठीक है, ब्रेक में भी कोई आवाज़ नहीं आई, तो ये कार ओके है। अब हमारा टेस्ट ये कार पास कर चुकी है और ये कार ओके है। अब ये कार हर टेस्ट में पास हो चुकी है, लाइक हमने इसका एक्सटीरियर चेक कर लिया, हमने इसका इंटीरियर चेक कर लिया, हमने इसका पावर स्टीयरिंग चेक कर लिया, हमने इसका इंजन चेक कर लिया, हमने इसका एसी चेक कर लिया, गियर शिफ्टिंग चेक कर ली। जब इस पैरामीटर पे कार आपके ओके हो जाए, तो जब आप कार से सेटिस्फाइड हो जाए, फिर आप कार फाइनल कर सकते हैं। फिर आपके ऊपर अब आपने डिसीजन लेना है, अब आपको नेगोशिएशन आनी चाहिए, वो आपने बात करना है, कार आपको समझ में आ गई। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम कार चेक कर करके हम एक सही कार और एक फाइनेंशियल लॉस से बचकर एक सही कार ले सकते हैं, जो हमें ऐसे हम जब चेक करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा, हम नुकसान से बच सकते हैं। तो मेरा मोटिव वीडियो बनाने का यही था कि मुझे जितना आता है मैं एटलीस्ट उतना तो ट्रांसफ़र करूं आप लोगों में, उतना तो बताऊं। तो आप लोग इसी तरह जब भी कोई सेकेंड हैंड कार ले, तो एक्साइटमेंट में क्या होता है, आदमी बहुत चीज़ें चेक नहीं करता, उस कार का पूरा नंबर लेकर के सर्विस सेंटर में जाइए, जिस कंपनी की कार है वहाँ सर्विस सेंटर में आप हिस्ट्री निकलवाइए कि सर बताइएगा इस कार की हिस्ट्री, ये कब सर्विस होने आई थी, लास्ट सर्विस कितने किलोमीटर पे है, मीटर बैक तो नहीं है, ये पता चल जाएगा आपको लास्ट सर्विस कितने पे हुई थी, और कोई एक्सीडेंटल काम तो नहीं हुआ इसमें, ये भी आपको सर्विस सेंटर वाले इजीली बता देंगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप उनसे सीधा बोलिए, सर मैं ये कार परचेज करना चाह रहा था, तो मैंने एक बार इस कार को परचेज करके आपके पास सर्विस के लिए लाऊंगा, तो क्या आप ये बता सकते हैं मुझे इस कार में कोई एक्सीडेंटल डैमेज तो नहीं हुई है या कोई मेजर काम तो नहीं हुआ इसमें, तो वो आपको बता देगा। इसके अलावा इतना भी नहीं कर सकते और आप फर्स्ट टाइम बायर है, आपको कार ड्राइविंग नहीं आती है, तो आप किसी अपने मैकेनिक को जो ऑटो मैकेनिक है, अच्छा मैकेनिक है, उसको एक बार कार दिखा दीजिए और बोलिए भाई मुझे जेन्युइन ओपिनियन देना, इंजन वाइज कैसी ये कार, एक्सीडेंटल तो नहीं है, तो ये चीज़ें आपको उससे ही पता कर सकते हैं। कार की टेस्ट ड्राइव कंप्लीट कर ली है, कार हमारे टेस्ट ड्राइव में पास हो चुकी है, हमने इंटीरियर चेक कर चुके हैं, एक्सटीरियर चेक कर चुके हैं। वीडियो से इन्फॉर्मेशन आपको मिला तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि कोई सेकेंड हैंड कार लेना चाह रहा हो तो वो एटलीस्ट जो पैरामीटर मैंने बताया उस पैरामीटर पे कार को चेक करे और वो एक अच्छा डिसीजन ले सके, एक राइट चॉइस ले करके राइट कार ले सके। थैंक यू।